हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत देर से मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊं, तभी मुझे एक आइडिया आया। सो गाइस, आज मैंने सोचा है क्यों ना मैं दो पेंसिलों के बीच कंपैरिजन का वीडियो बनाऊं। मतलब कि दो पेंसिलें हैं मेरे पास, एक आर्ट लाइन की जो मैं पहले यूज़ किया करता था और अब जो मैं यूज़ करता हूँ वो करता हूँ ब्रुश स्ट्रोक। तो इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो दोनों टाइप की पेंसिलों से मैं एक ही ड्राइंग बनाऊंगा पर अलग अलग, मतलब एक आर्ट लाइन से बनाऊंगा और एक बार ब्रुशों से। तो देखते हैं कैसा रहता है। दोनों में कंपैरिजन करना इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि दोनों अपने आप में बेस्ट हैं, और देखते हैं कैसा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने निकाला अपना पुराना संदूक जिसमें है मेरी बहुत सारी पुरानी सी पेंसिलें जो कि मैं यूज़ कर चुका हूँ एक बार। तो मैंने निकाली सबसे पुरानी पेंसिल अपनी आर्ट लाइन की, कुछ पेंसिलें थी जिसमें से मुझे एक पेंसिल जो है नहीं मिल पाई, वो थी 4B। बाकी मुझे जो पेंसिलें थी वो तो मिल गई लेकिन 4B नहीं मिल पाई। और ये मेरे पास HB, 2B, 6B, 8B और ये 10B। और नेक्स्ट है हमारे पास ब्रुशटो का बॉक्स। इसमें मेरे पास सारी की सारी पेंसिलें अवेलेबल है, यानी कि 2H से लेकर 10B तक। ये पूरे टोटल 12 शीट्स हैं, इनसे भी हम ड्राइंग करने वाले हैं। पहले मैं ड्रॉ करूँगा आर्ट लाइन से, और जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्लासमेट का है। ये किसी भी स्टेशनरी में इजीली अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले मैं आउटलाइन को विजिबल करने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। शेड हमेशा ग्रेजुअली अचीव करना चाहिए, इसलिए मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 6B का। Now I am using 8B pencil. और अब मैं यूज़ करूँगा 10B pencil का, पर ये शार्प नहीं है तो मुझे इसे शार्प करना होगा। और ये बहुत छोटी भी हो चुकी है जिस कारण मुझे लेड का डर भी लग रहा है, कहीं लेड टूट गई तो मुसीबत हो जाएगी गाइस। तो इसे आराम आराम से ही शार्प करना होगा, बहुत ही धीरे धीरे। एक बार और करते हैं। और हाइलाइट्स के लिए केवल मैंने नीडेड इरेजर का यूज़ किया है, बाकी और कुछ यूज़ नहीं किया है। सो गाइस, ये है फाइनल वर्क जो कि आर्ट लाइन से बना है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप कमेंट में बता देना। और अब बारी है ब्रुशटो की, और इसमें भी मैं केवल 5 पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आर्ट लाइन में था वैसा ही। इस पर बनाएंगे हम, ये वाली आउटलाइन मैंने पहले ही बना दी थी। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस आउटलाइन में भी मैं डार्क करने के लिए 2B का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें भी हम शेड्स को ग्रेजुअली फाइंड करेंगे। तो गाइज, ये है फाइनल वर्क जो कि ब्रुशटो से बना है। गाइज, ये है दोनों आर्ट वर्क दोनों टाइप की पेंसिलों के साथ, और इसमें आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मेरे हिसाब से दोनों ही काफ़ी बेहतर हैं, पर जो ब्रुशटो की बात है वो अलग है और जो आर्ट लाइन की बात है वो अलग है। क्योंकि आर्ट लाइन थोड़ा हार्ड है लेकिन ये डार्क शेड बहुत अच्छा करती है, और ब्रुशटो सॉफ्ट है लेकिन उतना ज़्यादा डार्कनेस अचीव नहीं कर पाता। और पर सॉफ्ट बहुत है, सॉफ्ट के कारण ये काफ़ी बेहतर है। और जो आर्ट लाइन है वो काफ़ी अच्छी है लेकिन ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। जो अभी सीख रहे हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। बाकी अगर आपको ब्रुशटो यूज़ करना है तो आप बाद में यूज़ कर सकते हो, एक बार आर्ट लाइन को यूज़ करने के बाद जब आप इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर लो तो
तो आप ब्रुस्टो पे जा सकते हो। प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो आर्ट लाइन जो है वो ब्रुस्टो से थोड़ा सस्ता है, ज़्यादा सस्ता नहीं है पर थोड़ा सा सस्ता है, तो इसलिए आप आर्ट लाइन को पहले बिगनर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में आपको कौन सा आर्ट वर्क ज़्यादा पसंद आया वो ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वी आर एन आर्टिस्ट और ये सब हमारे लिए आम बात है।